के सामने बुरी तरह से फेल हुई विंडीज टीम, एक नहीं तीन तीन शर्मनाक रिकॉर्ड कर लिए ना। टेस्ट के बाद अब टीम इंडिया ने जीत के साथ किया वनडे का भी आगाज। ईशान किशन की हाफ सेंचुरी ने बांधा समा तो सूर्य ने कार पार्किंग में पहुंचा दी गेंद। कुलदीप यादव ने बरपाया कैर तो पोज मारते रह गए बल्लेबाज। बारबाडोस के कैंसिंगटन ओवल मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच पूरी तरह गेंदबाजों के नाम रहा। टीम इंडिया ने इसे बहुत ही आसानी से जीत लिया। टीम इंडिया ने इस मैच में वेस्टइंडीज की पारी सिर्फ 114 रन पर समेट दी थी। इससे मेजबान टीम के नाम एक नहीं तीन तीन शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गए। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया। रोहित ने मैच में चार तेज गेंदबाज और दो स्पिनर उतारे। पेसर मुकेश कुमार ने इस मैच से वनडे डेब्यू किया। जिस तरह भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया उससे तो रोहित का फैसला एकदम सही साबित हुआ। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस दी और वेस्टइंडीज की टीम महज 114 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसे टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से चेस कर लिया। स्पिनर कुलदीप यादव और एक्सपीरियंस ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने मिलकर 7 विकेट झटके। कुलदीप ने तो केवल 3 ओवर फेंके और महज 6 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। वहीं जडेजा ने 6 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट झटके। हार्दिक पांड्या, मुकेश कुमार और शार्दुल ठाकुर को एक एक विकेट मिला। वेस्टइंडीज के लिए कप्तान शाई होप ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। उन्होंने 45 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्का जड़ा। विंडीज टीम ने एक नहीं कई शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किए। ये वेस्टइंडीज का अपना डोमेस्टिक मैदान जहां वनडे में सबसे छोटे स्कोर पर सिमट गई मेजबान टीम। इससे पहले पाकिस्तान ने उसे 2013 में 98 रन पर समेट दिया था। बांग्लादेश ने 2022 में 108 और पाकिस्तान ने 2000 में वेस्टइंडीज को 114 रन पर ही ऑल आउट किया था। इतना ही नहीं, वेस्टइंडीज ने केवल 23 ओवर खेले जो पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑल आउट होने से पहले वनडे में उसके दूसरे सबसे कम ओवर हैं। इस टीम को बांग्लादेश ने 22 ओवर में चटगांव में साल 2011 में केवल 22 ओवर में ही ऑल आउट कर दिया था। वनडे में भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज का ये दूसरा सबसे कम स्कोर है। साल 2018 में तिरुवनंतपुरम में खेले गए वनडे में वेस्टइंडीज टीम को भारत ने 104 रन पर ऑल आउट किया था। वहीं पोर्ट ऑफ स्पेन में 1997 में विंडीज टीम भारत के खिलाफ वनडे मैच में 121 रन पर ऑल आउट हुई थी। इसके अलावा भारतीय टीम ने किसी विरोधी टीम को ऑल आउट करने के लिए तीसरे सबसे कम ओवर लिए। लिस्ट में बांग्लादेश टॉप पर है, जिसे 2014 में मीरपुर में केवल 17.4 ओवर में भारत ने ऑल आउट कर दिया था। इसी साल तिरुवनंतपुरम में श्रीलंकाई टीम को 22 ओवर में भारत ने ऑल आउट किया था। बहरहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में जो जीत से अपना आगाज किया है उसका असली क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे और खासतौर पर टीम इंडिया की सदी हुई गेंदबाजी पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।